हेलो व्हाट इज अप फैम, टुडे एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। तो यार आज ना हम एक ऐसी चीज़ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने वाले हैं जो कि मैं काफ़ी टाइम से मतलब उसके पीछे ही से पड़ गया था कि यार इसका सोल्यूशन तो मेरे को पक्का करना है, इसका सोल्यूशन तो मेरे को पक्का करना है। तो यार उसका ना आज सोल्यूशन करने वाले हैं। पहले तो यार वाइपर्स से साफ कर लेते हैं सामने वाला शीशा। हाँ तो यार चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और अगर मतलब क्या कहते हैं नए नए आए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिन जिनके पास वेन्यू है, और बाकियों को भी शेयर कर सकते हैं। और कमेंट डाउन बिलो करके ज़रूर बताना कि क्या क्या नए नए मॉड्स हम करा सकते हैं। तो चलो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेन प्रॉब्लम बताता हूँ कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है ये यार, ये वाली प्रॉब्लम ना आप सबकी गाड़ियों में होती होगी, क्योंकि यार ये देखो, देख रहे हो आप पूरी की पूरी वाइट क्लैडिंग, इसकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत ही ऑड सी दिखती है, मतलब कि जैसे नॉर्मल भी नहीं लगती है। ये देखो पूरी की पूरी ऑड सी दिखती है, बहुत बेकार सी। तो यार आज हम इसका ही सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये मेरी थोड़ी टेपिंग बढ़ रहा की वजह से भी हो गया है, तो इसी का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं इस सारे सामान के साथ। तो मैं आपको सारी चीज़ दिखा देता हूँ पहले क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो यार एक तो ये होता है कि सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, 4 बजे हैं अभी, और मार्च का टेम्परेचर वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। एंड अभी फ़िलहाल देख लो 36 डिग्री है बाहर। यार एक लाइक तो बनता ही है इतनी गर्मी में भी काम करने के लिए। तो ये है यार हमारे पास, सबसे पहले बेसिकली हमारे पास है एक गीला कपड़ा जो कि मैंने लिया है, एंड ये है गाड़ी की चाबी, इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। ये जो है ये हमारा माइक्रोफाइबर क्लोथ, ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जो भी हम प्रोसेस करने वाले हैं उसके अंदर, क्योंकि यार ये जो होता है ना ये कोई भी सोल मार्क्स नहीं छोड़ता है, स्क्रैचेस नहीं छोड़ता है। तो यार ये देख लो, एंड जो हमारी मेन चीज़ है वो है ये, यानी कि हमारी हेल्स लोकी विनाइल एंड लेदर पॉलिश। तो यार आज हम पॉलिश करने वाले हैं पूरा, ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है वैसे ही। तो इसको पहले अगर हम खोल के देखें तो इसके अंदर एक एप्लीकेटर आता है पहले, तो सबसे पहले जो कि कुछ ऐसा दिखता है। बहुत यार ये मैंने बहुत ही चीप मिली थी, मतलब आपको एंड में बताऊंगा इसका प्राइस कितना है। और यार ये देख लो, ये एप्लीकेटर आता है एक छोटा सा इसके साथ में, और एक ये बॉटल आती है इसकी जो कि कुछ ऐसी दिखती है यार। तो आज हम इसके साथ ना ये करने वाले हैं, मतलब पूरी की पूरी गाड़ी को पॉलिश करने वाले हैं, छोटा सा पार्ट करके दिखाऊंगा पहले आपको, तो बने रहना वीडियो पे, पूरा मैं दिखाता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यार कंडीशन देख लो, पहले ऐसी कुछ कंडीशन है, देख लो यार कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है मेरी पहले ही, और थोड़ा सा मैंने टेस्ट आउट मतलब करने ही वाला हूँ, मैं पहले शुरू तो नहीं किया। तो हम सबसे पहले तो कुछ नहीं करेंगे, हम पहले गीला कपड़ा लेंगे, एंड पूरी जो क्लैडिंग है ये वाली पूरी की पूरी क्लैडिंग, इसके ऊपर हम ढंग से इसे साफ़ करेंगे पहले गीले कपड़े के साथ। कर देते हैं हम पहले पूरी साफ़ इस वाली क्लैडिंग को, टाइम लैप्स देखो तब तक। तो यार इवेंचुअली कैमरा गिव अप, और देख लो मैं साफ़ कर दी है, फिलहाल गीले कपड़े से करिए अभी। तो ये जो है बाकी भी सारा का सारा सूख जाएगा। यार आप लोग कहोगे तो इसके साथ क्यों चमक रही है इतनी, बट यार नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी देखना 5 मिनट के अंदर अंदर सब गायब हो जाएगा। तो अब हम शुरू करेंगे यार। एक तो मैं पहले बता दूँ कि ये जो है कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, तो यार खुद ही जो चीज़ कर रहा हूँ मैं टेस्ट आउट कर रहा हूँ, बाकी अगर हेल्थ ब्लू वालों अगर मैं करना चाहूँ स्पॉन्सर तो कर सकते हो, बाकी इसका कुछ यूज़ नहीं है हमारा क्योंकि ये इतनी अच्छी नहीं होती है। तो स्टेप 1 जो था वो ये हो चुका है कंप्लीट हमारा, कि सबसे पहले मैंने इतने इतने पोर्शन पे करी है सिर्फ। अब हम क्या करेंगे, इस वाली जो ये है हमारी पॉलिश, इसको हम लेंगे इसके ऊपर करेंगे। रुको मैं आपको कैसे दिखाऊँगा एक हाथ से, देखो थोड़ा सा हम डालेंगे इसके ऊपर, इस साइड मैंने डाल रखी है, और इसको हम लेंगे अब माइक्रोफाइबर क्लॉथ को, और अब जो है हम पॉलिश करनी स्टार्ट कर देंगे ऐसे, पूरी अच्छी तरह जेंटली रब कर करके ऐसे कर करके स्टार्ट कर देंगे। तो मैं ये देखो अभी ही डिफरेंस देख लो आप लोग इस वाले में और इस वाले में। तो अभी पहले मैं पूरा ये वाला पोर्शन कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, फिर आपको रिजल्ट दिखाता हूँ मेन रिजल्ट। यार गाइस देखो काफ़ी मेहनत के बाद ये तो हो चुका है,
तो यार फिलहाल डिफरेंस दिखाऊं तुम्हें, ये देखो इतना डिफरेंस है। एज सच तुम्हें कुछ दिख रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी यार रियल लाइफ से तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, जैसे कि ये देखो, हाँ ये देखो इसमें और इसमें डिफरेंस देखो यार। मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही है एंड प्राइस में आखिरी में बताऊंगा ही तुम सबको। बाकी यार देखो अभी ये पूरा का पूरा बम्पर वगैरह सब कुछ करता हूँ मैं ढंग से, पूरी गाड़ी बची है अभी तो इसमें मेरे को कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। पूरा मैं करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो तो यार गाइस ये देख लो सारी क्लैडिंग हो चुकी है, मेरे को 1 से 1.5 घंटा लगा इस चीज़ों में। बाकी देख लो यार पूरी क्लैडिंग नई हो चुकी है एंड बढ़िया लग रही है यार मेरे को तो। मतलब इसका जो प्राइस था वो भी 150 रुपीज़ था सिर्फ, आप घर पे सब लोग कर सकते हो, अफोर्डेबल भी है, इजी भी है, आपको इजीली किसी भी शॉप पे मिल जाएगी या तो अमेज़ॉन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बाकी आप सबके लिए। बाकी यार देखो काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है मेरे को तो इस प्राइस रेंज के अंदर अंदर, और सही है यार काफ़ी पूरी साफ़ हो गई आगे पीछे सारी चीज़ों से एंड बिल्कुल नई जैसी क्लैडिंग्स लग रही हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह मॉडिफाई करते रहते हो कुछ ना कुछ करते रहते हो तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना नए नए अपडेट्स के लिए। और एज सच क्लैडिंग्स जो है अगर आप चाहते हो अपनी कार की तो ज़रूर ले लेना ये वाला प्रोडक्ट जो कि यहाँ रखा है फिलहाल, तो ये वाला ले लेना यार। विद दिस सेड यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे। और बाकी यार कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत प्यार करते रहना।